अगर आपने महाभारत देखा है तो आपने इस बात पे तो जरूर ध्यान दिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध को माफ करने के बाद उसका वध किया था। पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उसके 100 अपराधों को आखिर क्यों माफ किया था? महाभारत भगवान श्री कृष्ण के नाम के बिना तो पूरी ही नहीं हो सकती, जिन्होंने धर्म का मार्ग प्रस्त करने के लिए अपने रिश्तेदारों तक का ही वध कर दिया था। इन्हीं रिश्तेदारों में से एक शिशुपाल का नाम भी आता है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हाथ मौत पाकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। कहा जाता है कि शिशुपाल बहुत ही दुर्योधन योद्धा हुआ करता था। शिशुपाल के जन्म के समय एक ऐसी घटना घटित हो गई थी कि उस समय ही पता चल गया था कि उसकी मौत भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगी। इसका संबंध श्री कृष्ण की तरफ से शिशुपाल को 100 अपराधों को क्षमा दान देने से भी जुड़ा हुआ है। शिशुपाल भगवान विष्णु के उन दो द्वारपालों जय और विजय में से एक था, जिन्हें ऋषियों के श्राप के कारण धरती पे आकर राक्षस बनना पड़ा था। जय विजय इस कारण पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में कंस शिशुपाल बन के आए थे। जय विजय इस कारण तीन जन्म से ही भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण से दुश्मनी मानते थे। इसी कारण शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करता रहता था। शिशुपाल का जन्म श्री कृष्ण की बुआ के बेटे के तौर पे हुआ था। तब उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं हुआ करती थी और वह गधे की तरह रो रहा था। शिशुपाल के पैदा होने पर आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में उसकी 1 आंख और 2 भुजाएं गिर जाएंगी वही उसकी मौत का कारण बनेगा। शिशुपाल की भुजाएं और आंख श्री कृष्ण की गोद में गिर गई थी, जिस पर बुआ के प्रार्थना करने पे श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वरदान दे दिया था। शिशुपाल मित्र रुक्मणी की बहन रुक्मणी को चाहता था, जो श्री कृष्ण को प्यार करती थी। श्री कृष्ण उनका हरण कर लाए थे, इसे शिशुपाल उनसे नाराज रहा करते थे। शिशुपाल के हर बार अपमान करने पे श्री कृष्ण उन्हें क्षमा दान दिया करते थे, लेकिन 100 अपराध पूरे होने पे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया था।